वीरता की मूर्ति जॉन। बहुत समय पहले की बात है, केरल के एक गांव में तीन बालक रहते थे। एक का नाम था जॉन, दूसरे का नाम था थॉमस और तीसरे का नाम था तितन। तीनों साथ ही खेलते थे और साथ ही पढ़ने जाते थे। स्कूल में रविवार की छुट्टी थी, सुबह के 10 बज रहे थे। तीनों बालक डुबरार नदी पर बने रेलवे पुल पर खेल रहे थे। नदी छोटी थी इसलिए पुल भी छोटा सा था, फिर भी पुल के बीच में दोनों तरफ एक छोटा सा छोर निकाला गया था, जिन पर कोई भी आदमी रेलगाड़ी के आने के समय खड़ा हो सकता था या बैठ सकता था। तीनों बालक खेल में डूबे हुए थे। वे इस बात को भूल गए थे कि वे रेलवे लाइन पर खेल रहे हैं। यदि किसी ओर से रेलगाड़ी आ जाएगी तो उनके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। अचानक एक ओर से रेलगाड़ी आती दिखाई पड़ी। तीनों बालकों को लाइन पर खेलते हुए देखकर इंजन का ड्राइवर सीटी बजाने लगा। गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में थी। इंजन की सीटी से तीनों बालकों का ध्यान गाड़ी की तरफ गया। गाड़ी सीटी देती हुई पुल की ओर बढ़ती आ रही थी। तीनों बालक डर गए। नीचे नदी, सामने रेल, वे जाएं तो कहां जाएं? तीनों बालक विपरीत दिशा में भाग खड़े हुए। कुछ दूर जाकर जॉन को एक छोर और इसी तरह थॉमस को भी एक दूसरा छोर मिल गया, पर तितन भागता ही रहा। गाड़ी अब पास आ गई थी। तितन घबराकर लाइन पर गिर पड़ा। जॉन ने तितन को लाइन पर गिरते हुए देखा तो वह यह सोचकर कांप उठा कि उसका प्यारा मित्र तितन रेलगाड़ी के नीचे कुचलकर मर जाएगा। जॉन अपने प्राणों को हथेली पर रखकर आंधी की तरह दौड़ पड़ा। वह तितन को खींचकर एक ओर दुबक कर खड़ा हो गया। गाड़ी धड़धड़ाती हुई निकल गई और दूर जाकर खड़ी हो गई। गाड़ी के गार्ड ने नीचे उतरकर तीनों बालकों से पूछताछ की। गार्ड जॉन की बहादुरी देखकर चकित रह गया। उसने जॉन को शाबाशी दी। केवल गार्ड ने ही नहीं, उसे सारे देश ने शाबाशी दी। भारत सरकार ने भी जॉन का सम्मान किया। सचमुच जॉन सम्मान के ही लायक था, बहुत बड़े सम्मान।